गाजा के भीतर तो इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच भीषण जंग चल ही रही है, बल्कि गाजा से बाहर वेस्ट बैंक और कई इलाकों में हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर रह रहकर हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से इजरायली सेना को अपना ध्यान बार बार वेस्ट बैंक पर केंद्रित करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर भड़की आग की एक चिंगारी इजरायल की राजधानी तक को सुलगा सकती है, और यही वजह है कि इजरायली सेना को वेस्ट बैंक में भी अपने ऑपरेशन चलाने पड़ रहे हैं। लेकिन आईडीएफ के लिए वेस्ट बैंक में हमास का सफाया करना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि यहां पर हमास से जुड़े अन्य संगठन एक साथ मिलकर इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अलक्सा मार्टर ब्रिगेड की तुलकारम ब्रिगेड ने मैवो दोतन सेटलमेंट में एक चेक पॉइंट पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। दरअसल तुलकारम ब्रिगेड ने यहां पर इजरायली सेना की एक बस को मशीन गन हमले में उड़ा दिया है। तुलकारम ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उसके लड़ाके मशीन गन से सामने की तरफ हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तुलकारम ब्रिगेड ने सनाज मिलिट्री चेक पॉइंट पर भी इन्हीं मशीन गन से हमला किया है। इससे पहले पश्चिमी जेनिन में इन लड़ाकों ने दोतन मिलिट्री चेक पॉइंट पर हमला किया था, और इनकी सीधी भिड़ंत इजरायली सैनिकों के साथ हुई थी। यहां तक कि स्थानीय मीडिया ने भी कहा था कि प्रतिरोधी लड़ाकों ने पश्चिमी जेनिन के पास सलेम क्रॉसिंग पर आईडीएफ के जवानों पर हमला किया था। वहीं इस हमले से इतर फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में एक 14 साल का मजीद अरमिन नाम का लड़का मारा गया है। इस लड़के की मौत सायर कस्बे के पास हुई है, जो उत्तरी अल खलील में है। हालांकि इस हमले को लेकर आईडीएफ का कहना है कि ये लड़का उसके ऊपर चाकू से हमला करने की फिराक में था, जो मुठभेड़ में मारा गया है। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक के बाहर और गाजा के भीतर इजरायली सेना पर अलकुज ब्रिगेड ने एक बड़ा हमला किया है। दरअसल रफा शहर के जबालिया कैंप में एक बिल्डिंग में इजरायली सैनिक तैनात थे, जिन पर अलकुज के लड़ाकों ने हमला किया है। अलकुज ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एक बिल्डिंग में आईडीएफ के जवान छिपे नजर आ रहे हैं, और अचानक से अलकुज का एक लड़ाका उसी बिल्डिंग पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देता है, जिसमें एक जोरदार धमाका होता है। और इसी दौरान रफा के भीतर अलकुज के लड़ाके मोर्टर लावा से इजरायली सैनिकों पर धावा बोल देते हैं। आपको बता दें कि अलकुज ने इसका एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हमास का लड़ाका एक लॉन्चर में दनादन मोर्टर लावा भरते हुए दिख रहा है, और फिर उस लॉन्चर से रॉकेट फायर हो रहे हैं। हालांकि इन रॉकेट हमलों में इजरायली सेना को कितना और किस जगह पर नुकसान हुआ है, इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है।